हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 1 बजे से, और अभी मेरा खाना पीना हो चुका है और कल शाम को हमारे गांव में माँ चंडिका, माँ नारी देवी आ चुकी हैं। और कल शाम को मैं वीडियो बनाने नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी, इसीलिए बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आज हमारे गाँव में ना कौथी भी होने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने आपको महिषासुर वध दिखाया था, तो जितनी बार देवी गाँव में आती है उतनी बार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो पिछली बार हुआ था महिषासुर वध और इस टाइम होने वाला है समुद्र मंथन, तो वही मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर में और माता के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। पूरी दुनिया वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखो मेरी माँ का काम पूरा ही नहीं हो रहा है। हेलो माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक दोस्तों? तो क्या करे दोस्तों, काम ही पूरा नहीं होता। इतनी मुट्ठी बनाई मैंने, सुबह गेहूँ लाए, एक कंडी वहीं से घास निकाला, उसको भी कट्ठे लाई, फिर घर में 2 पूरी घास की और काटी। तो मम्मी को बोल रही हूँ घर आके करेंगे ये काम, बट कौन समझाए मम्मी को? नहीं दोस्तों, आराम से जाऊंगी, नींद आ रही है। देवी का कोथी देखने का मौका बार बार नहीं, जब कोथी शुरू होगा, अभी तो ऐसे जा रही है ना देवी, जब वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं पहुँच जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। और बाकी आज मौसम भी बिल्कुल सही हो रखा है, मतलब तेज वाली धूप नहीं लगी हुई है, हल्की हल्की धूप है, ऐसे में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कौथी देखने में। तो अभी मैं चलती हूँ, मम्मी तो पता नहीं कितनी देर में आएगी, मैं चलती हूँ आप लोगों को कौथी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ से मैं आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि अगल बगल गांव के लोग भी आ रखे हैं, और वैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, तो इसी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पर। और मंदिर में तो कौथी हो गया है, अभी कौथी होगा खेत में, और यहाँ पर देखो हमारी दादी चाची लोग सब बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग तो आए नहीं, आए होंगे बहुत सारे, आ रखे हैं वहाँ, काफ़ी लोग मिल भी रहे हैं, काफ़ी तो मिल भी रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। अभी समुद्र होगा वहीं जाएंगे, धूप बहुत होगी। बिल्कुल, और कालिया भाई भी पहुंच गया, कालिया भी आ गया कॉफी देखने के लिए, दादी भी बैठी हुई है कॉफी देखने के लिए। बोलूँ कॉफी? बहुत अच्छा, देखो तो दादी इंग्लिश बोलती है क्या? दादी इंग्लिश बोलती है, बोला दादी इंग्लिश में? नहीं यार, इंग्लिश क्या बोलो, अब आना भीड़ इतनी ज्यादा हो रखी है। थोड़ी देर यहाँ पे कौथी होगा, उसके बाद देवता का एक खेत है पुखार, वहाँ के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे होगा समुद्र मंथन, फिर आप लोगों को हम लोग समुद्र मंथन दिखाएंगे। यहाँ पे हमें पुपू जी मिली है जो की है सुमेरपुर से। हेलो, मुंबई में? हाँ, मुंबई रहते हैं और कमेड़ा इनका ससुराल है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और वीडियो देखते रहते हो? बहुत 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 धन्यवाद, रोज रोज एकदम देवी की कृपा से मिलना हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और पोर गौर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो दोस्तों, अभी कौथी होने में टाइम है और यहाँ पे हो रही है बहुत तेज धूप, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिंगर चाची के घर पे, क्योंकि मंदिर के सबसे नज़दीक उन्हीं का घर है, तो वहाँ पे थोड़ा छाया में बैठेंगे क्योंकि धूप हो रही है, ऐसे में फिर सर दर्द हो जाएगा, इसीलिए मैंने पूरा दुपट्टा ऐसे रखा हुआ है ताकि मेरा सर दर्द ना हो, क्योंकि जब मैं धूप में रहती हूँ ना ज़्यादा, फिर मेरा सर दर्द हो जाता है, तो इसीलिए अभी चलते हैं थोड़ी देर छाया में बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे कौथी देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मम्मी को टाइम नहीं है आने का, लेकिन मम्मी बिल्कुल सही टाइम पे आई है। हम लोग यहाँ पे करीबन आधा घंटा रुके रहे और अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और मौसम ने भी हमारा बहुत साथ दिया, बिल्कुल मौसम देखो हमारे लिए सही हो गया है, धूप भी नहीं होगी। अब दोस्तों, ये तो कल कर रही थी कि मम्मी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो मैं भी तैयार होके अपना घर का काम निपटा के, वो मुट्ठी बना रहे थे उनको छोड़ छाड़ के, मैंने कहा चलती हूँ यार, मोनिका नाराज हो जाएगी। जैसे सुनो सुनो, जैसे तुम 50 पे जा रहे हो वैसे जवान जवान हो रहे हो, क्यों? यही तो है, ये मेरी सब यूट्यूबर फैमिली का कमाल है जो मुझे इतना खुश रखते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उन्हीं का कमाल है। और लाल लाल हो रहे हैं 50 पे होते रहेंगे, और भी इतना लाल भी मत करना मेरे को। हमने सुना तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा हो रखा है, हाई हाई, इसलिए हुआ दोस्तों, मेरे को बोलने दो, पहले हाई नहीं होना था, पहले तक तो मुँह के सामने यहाँ पे जवाब, पहले तक तो ये बोल रहे थे मोनिका की मम्मी कब जा रही है, बजा रही है सिंगर चाची भी। अच्छा, इसीलिए हुआ मेरी मम्मी का बीपी हाई, मेरा
दिमाग खराब, खोपड़ी खराब हो गया था उस दिन। वैसे मोनिका भी मेरे साथ थी, फिर भी आप लोगों ने मना किया तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया। कम रेवल बहुत सारे दिन मन में यही रहा। बाकी हमारे सिंगर चाची भी यहाँ। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों हमारे गांव में हमारी नारी चंडिका रखे है, शुभकामनाएं आपको भी, माता का आशीर्वाद बना रहे दोस्तों। राधे राधे बोल रहे दीदी, यहाँ से मेरे शोर कर रहे हैं बाजार गई दोस्तों उस दिन। तो दोस्तों मैंने कहा था कि पहले बता दे, दो चार दिन पहले मेरे पास खर्चा नहीं था, तो मेरी दीदी ने तुमने बोला खर्चा दे देंगे, चलो तो मैं चली जाती हूँ दीदी के पास। अंदर डाला लगा हुआ है दीदी का, अभी सब लोग हो गए हैं रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं खेत में, पुखार वाले खेत में, जहाँ पे समुद्र मंथन होगा। बाकी इनकी हंसी मजाक तो चलती रहेगी, चलते हैं समुद्र मंथन दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग पहुँच गए हैं पुखार वाले खेत में, और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। दिन के लगभग अभी 2:30 बज रहे हैं, और ये देखो भीड़ यहाँ पे, मम्मी लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी तो पूरे लोग भी नहीं आए हैं, अभी से इतनी भीड़ हो गई है, चलते हम लोग भी जगह ढूंढते हैं, क्योंकि सब लोगों ने जगह घेर लिया। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉफी में फूफू लोग भी मिल गए हैं। ठीक ठाक, हाँ ठीक है, आप ठीक हो? बिल्कुल, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। आपके दर्शन भी, माता रानी के भी, जय चंडिका माँ की जय। यहाँ पे मुझे मेरी स्कूल की फ्रेंड मिल गई है, हेलो हेलो, बहुत टाइम बाद मिल रही है। ठीक ठाक, कॉफी की वजह से स्कूल के दोस्त भी मिल रहे हैं। जय चंडिका माँ की, मैं तो लाई दो दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। जय माता रानी की, जय चंडिका माँ की, जय तुम्हें सर भगवान की। और से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, और से बोलो जय माता की, बोलो चंडिका माता की जय। जिन्हें हम ब्रह्म ठाकुर कहते हैं, ये आप ऊपर देख रहे हो, ये समस्त ब्रह्मांड घूम रहा है। स्वयं जो ये 12 रोज़ा देख रहे हो, ये स्वयं शंकर भगवान के अवतरण है, और पूर्ण नित्य का निर्णय करना होगा, कौन पूंछ की तरफ रहेगा और कौन वासुकी नाग के सर की तरफ रहेगा। निर्णय तो होना ही चाहिए महाराज,
अगर ये छल के साथ है तो हमारे पास बहुबल है। आप लोग देख रहे होंगे पांच की नाक का छल और वो इतना दीप जहर है, ये देख लड़खड़ा गए हैं उस जहर से, लड़खड़ा गए हैं उस जहर से। समुद्र बार बार उछाल मार रहा है, कहीं ये धरती बदल जाए, आकाश से टूट जाए, स्वयं इंद्र का सिंहासन मिल रहा है, समस्त ब्रह्मांड मिल रहा है। समुद्र मंथन में पहला रत्न निकल चुका है, समस्या यह है कि इसे कौन पिए, इस धरा पे कौन जाए, तो इसे देवताओं से ग्रहण करते हुए और यही से भगवान शंकर नीलकंठ के बोलो नीलकंठ महादेव की जय। कहा कुछ वो केवल और केवल नारी के ऊपर आसक्त होते हुए और नृत्य करते हुए वो चाह रहे हैं कि केवल नृत्य ही हो और नृत्य ही हो, और केतु वो नृत्य फिर से राहु बन जाता है और नर से केतु बन जाता है। तो दोस्तों फाइनली अभी कॉफी खत्म हो गया है और आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा समुद्र मंथन, और हमने खुद आज पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है। पहले मैंने अपनी दादी से बहुत स्टोरी सुनी थी यहाँ की, मतलब बनियाद की, लेकिन हमारे टाइम में अभी बनियाद हो रही है, दादी लोगों के टाइम पे हुई थी सन 1994 में, उसके बाद से सीधे अभी हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा और आप लोगों को भी पहली बार दिखाया है। और पीछे से आप लोग भीड़ देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी क्योंकि आजकल सब लोग घर आ रखे हैं, शहरों के लोग भी घर आ रखे हैं क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और बाकी अगल बगल गांव के लोग भी आ रखे थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज सामने से समुद्र मंथन देखा और आप लोगों को भी दिखाया, और बाकी यहाँ पर देखो सब लोग घर की तरफ जाने लगे हैं, चाची लोग भी देख ली कौ थी और मम्मी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओ माँ ओ माता श्री हेलो, सबसे छुआर पे ये हमारी क्या करे दोस्तों जी, हमारी बार पैसे करने गई फिर यहाँ आई, भाव आके दोस्तों घर भी देखना पड़ता है, यहाँ सबसे छुआर में बैठ रखे हैं, कोई बात नहीं है, शाम को घर जाना पड़ रहा है, साफ दिख रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो में देख लेंगे। जय हो माता चंडिका की। यहाँ पे फूफू लोग सब आ रखे हैं तो इनको अपनी बचपन की यादें ताजा हो गई हैं इनकी, हंसी मजाक करते थे दोस्तों बहुत ज्यादा, नाना दे हमारी बहुत मजाक करते थे, बिल्कुल हमारी देवी भी जाने लग गई अब चल। ये देखो हमारी देवी भी पहुंच गई हैं, जय हो माँ चंडिका, जय हो। हमारी दीदी लोग आ रखे हैं मायके, सबको वीडियो में निकालेंगे आज यहाँ पे, हमारी उर्मिला दीदी, ये है ज्योति, हेलो करते हेलो हाय, और नीतू हेलो, ये है नीतू जिसका ससुराल मेरे ही नानी के यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे जीजा जी, हेलो ठीक ठाक, खूब कमेंट करते रहते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच गए मंदिर में। पहले हमने कोती वहाँ देखा दोस्तों, जहाँ वो समुद्र मंथन हो रहा था, और वहाँ से ऐसे भागे हम नारी वाले, हमको दो ही नहीं है कोती देख देख के। वहाँ से भागते भागते क्यों आये कि यहाँ पे हमें जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। ये हमारा स्टेशन है दोस्तों, हाँ, पक्का वाला। बस यहीं पे बैठते हैं, जब भी कोती होता है नीचे नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे आना। हाँ, बने हाथ में यहाँ पे याद करना, जहाँ पे हम बैठे रहते हैं स्टेशन। हाँ, बने हाथ में वहाँ ऊपर जाएंगे ना, हम यहाँ क्यों रहेंगे जब वहाँ जगह होगी, ऊपर जाएंगे। क्या पता हम छाया में यहीं पे रहते हैं। तो दोस्तों, माता नारी चंडिका की कृपा आप सभी पे बनी रहे दोस्तों, आप खुश रहे, मस्त रहे। और एक बात दोस्तों, कल तक इतनी धूप थी बहुत ज्यादा, पर भगवान की कृपा इतनी होती है कि आज धूप नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है। बादल ऐसे चमन हो रखे हैं कि मन कर रहा है ऐसे ही रहे, सच में। ठीक है दोस्तों, पोती देखते हैं अभी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको मिल गए हमारे सीली वाले चाचा जी, हमारे तिलो सिंह चाचा जी। वहाँ देखो, हाय हाय बो लोड़ी खुजे ही तुम दे लड़के खुजे ही कौन तो खुजे ही तो सभी ने प्रणाम बोला। प्रणाम, हाँ सब ठीक ठाक छुन ठीक ठाक। ये मैं भाभी छुन। अच्छा बोल ना, मैं तो बोल ये मैं कुछ हूँ भाजी भाजी बोल मम्मी के फेवरेट देवर, हमारे देवर जी। ये कुछ नहीं पार, ये कौन है? कुछ है कुछ ही ढाई पर ये हमारे देवर जी हैं, अपने देवर जी हैं हमारे। जब भी यहाँ आते हैं ये हमको नहीं देखते हैं दोस्तों, तो हम इनको आवाज लगा के अपने पास बिठाते हैं, जरूर इनसे बात करते हैं। कंधे में आदर अगर आदर को बैठ के कंधे में ऐसे ये आशीर्वाद। यहाँ पे देख सकते हो पूरी जनता चली गई है कॉथी देख के घर को, और ये देखो यहीं पे बैठे हुए हैं अभी, और यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खा रहे हैं दोस्तों, हमारे पंडित जी ने दिए हमको पैसे। हमारे पंडित जी ने बोला हमको 50 रुपए दिए, उन्होंने बोला आइसक्रीम खाओ। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारे पंडित जी हमें खिलाते रहते हैं, हम ही को नहीं बहुत सारों को देते हैं। वो दानी है दादा है हमारे पोला के पंडित जी। तो दोस्तों, अभी कॉथी देख के मैं आ गई हूँ घर पे, और मौसम के हाल देखो कुछ इस तरह के है। चारों तरफ से काले काले बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश अभी तक नहीं आई है। थोड़ा बारिश आ जाती तो थोड़ा मौसम में ठंडा आती, ठंडा होता दोस्तों, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। मेरी मम्मी घर आते ही यहाँ पे देखो कपड़े भी चेंज नहीं किए। कपड़े चेंज क्या करने हैं, तब करूँगी बाद में दोस्तों। पर क्या बोलते हैं उसको, खाली क्या बैठना, अभी गोसा लगा टाइम भी नहीं हुआ, तो ऐसे बैठी रहूंगी मैं, ऐसे ऐसे काम तो करूंगी ना कुछ। बिना काम के तो मेरी मम्मी रह नहीं सकती है। यही तो जीवन है बेटा, जितना बिजी रहेगा आदमी उतना तनाव से दूर रहेगा। खराब बात मन में नहीं आएगा, बहम मन में नहीं आएगा। अपने काम पे व्यस्त रहो तो बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है अपने शरीर को भी। कोई विचार, गंदे विचार, किसी के लिए गलत सोच कुछ मन में नहीं आता है। और बाकी खेत में कितने बचे हुए गेहूं? खेत में तो अभी काफी है, कल भी जाएंगे, मेरी सहेली आएंगे मेरे साथ, पूरी टीम जाएगी कल। हाँ टीम जाएगी तो वो लाएंगे लौके, फिर मुट्ठी भी बनाएंगे, मुट्ठी भी बनाएंगे। वो जो घास है, ये जो सुअर ने बर्बाद कर रखा है दोस्तों, तो घास के लिए ले जाएंगे वो। हाँ तो इतना ही बचा हुआ है, यहाँ पे तीन गड़ोली बची हुई है, चार गुड़ली बचे हैं, बाकी मम्मी ने पूरे बना दिए। बना दिए थे दोस्तों, क्योंकि कोती देखने भी मैं सबसे बाद में गई। ये तो कह रही थी कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। मैंने कहा भाई तुम जाओ, और जब मैं जाऊंगी उसके बाद कोती शुरू होगा। और वैसे ही हुआ, पहले जाओ वहाँ क्या करना, फालतू तो मैं बैठ गई इधर उधर गप्पे मारो खाली, इससे बड़े अपना घर का काम निपटाओ। गप तो मारते हैं, पर ये थोड़ी कि अपना घर बार छोड़ दो और काम यहाँ दुनिया भर कर। वहाँ पहले चलो पर कोती होता तो उसको देखो, और कोती नहीं वहाँ खाली जग मारो। उससे अच्छा मम्मी ने अपना काम निपटा दिया यहाँ पे।